हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और इंस्टेंट सी रेसिपी जिसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा और खाने में एकदम मलाई केक जैसी लगेगी। बट इसमें कोई केक या रबड़ी बनाने का झंझट नहीं है, बिल्कुल जल्दी से बनके ये तैयार हो जाता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड मिठाई। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये कितना सॉफ्ट है और अंदर से बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट देने वाला है, बहुत सारा फ्लेवर देने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 व्हाइट ब्रेड लिया है और यहाँ पर व्हाइट ब्रेड ही यूज़ होगा, एकदम फ्रेश व्हाइट ब्रेड ले लेना है। और उसके साइड्स को हम रिमूव कर देंगे पहले, तो क्योंकि आज मैं ब्रेड मिठाई बना रही हूँ तो वो सॉफ्ट बनेगा और साइड्स अगर रह जाएगी तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमें साइड्स को रिमूव कर देना है। और अब इन स्लाइसिस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। पहले तो इसके 2 हिस्से कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो मैंने मिठाई की साइजेस दी है वो बहुत मिनी मिनी सी रखी है। अगर आप चाहें तो इसके साइजेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए एक ब्रेड में 2 ही डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है इसे। इसका एक छोटा छोटा सा स्क्वायर शेप दे देना है, तो एक ब्रेड में हमारी 2 मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी ब्रेड को इसी तरीके से काट लिया है। अभी रख देते हैं इसको एक साइड पर और अब मैं बनाऊँगी इसके अंदर के स्टफिंग करने के लिए होममेड खोया। तो चलिए बना लेते हैं। एक पैन में मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी 1/4 कप फुल फैट मिल्क, जो कि यहाँ पे मैं बॉयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी मिल्क पाउडर, तो आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो भी मिला मैं वो यूज़ कर रही हूँ, जो कि स्वीटेंड होता है, तो फिर आपको चीनी मिलाने का नीड नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना है तो आप थोड़ा चीनी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी नहीं ऐड किया था। लेकिन खोया यहाँ पर थोड़ा सा गम भर गया था हमारे ब्रेड स्लाइसेस के लिए, तो मैंने वही फिर से पैकेट लिया एक और मैंने दूध की क्वांटिटी फिर से उतनी ही ऐड करी, 1/4 कप। और मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और इसे हल्के हाथों से आपको मिक्स करते रहना है ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये लम्स फ्री हो जाएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ सैफ्रॉन के कुछ धागे, तो अगर आपके पास नहीं है सैफ्रॉन तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। सैफ्रॉन ऐड करने से जो खोया का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इलायची के जो दाने होते हैं उसे मैंने निकाल के दरदरा पीस लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा मिल्क से बना हुआ होममेड खोया है वो एकदम तैयार हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम बना लेंगे स्लाइसेस को डिप करने के लिए शुगर सिरप। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ 1/2 कप और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1/4 कप चीनी। इसे थोड़ा सा मेल्ट करना है जिससे जो चीनी है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सैफ्रॉन के कुछ धागे, है तो डालिएगा वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ फूड कलर यूज़ करके ये शुगर सिरप को रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों अवेलेबल था तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों डाल लिया। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर थोड़ा सा यूज़ किया है जिससे जो हमारा सिरप है उसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम और इसे बहुत देर तक नहीं कुक करना है, 2 से 3 मिनट तक आप इसे कुक करेंगे। अगर आप हाथों में रखकर इसे चेक करेंगे तो ये थोड़ी सी चिपचिपी लगेगी आपको, तो बस इतना ही करना है। फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे एक साइड पे रखते हैं। तो अब मैं फ्राई कर लूँगी स्लाइसेस के पीसेस को। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप घी में ही इसे फ्राई करें, या तेल या फिर डालडा वाला तेल आप यूज़ नहीं करें। अब यहाँ पर स्लाइसेस को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब तक ये क्रिस्प और गोल्डन नहीं हो जाता है तब तक इसे फ्राई कर लेंगे अलट पलट के चारों तरफ से। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस यहाँ पर फ्लेम को जल्दी से कर लेते हैं टर्न ऑफ और सारी ब्रेड स्लाइसेस को मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो यहाँ पर हमारी सारी ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई हो चुकी है, तो अब कर लेते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर जो खोया है वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो अब मैं एक स्लाइस लूँगी और ये इंस्टेंट खोया उसमें मैं फ़िल करूँगी। तो आपको जितना पसंद है ना आप उतना फ़िल कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप ज़्यादा या कम करके इसे फ़िल कर लें। तो मैं स्प्रेड कर दूँगी इसे चारों तरफ से। मैंने बहुत सारी जो खोया है वो फ़िल की है, क्योंकि खोया बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो अब मैं इसके ऊपर एक दूसरी स्लाइस को इसे कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने ब्रेड स्लाइस सारी फ्राई करी थी इसके ऊपर मैंने एक और स्लाइसेस को यहाँ पर डाल लिया है, इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना। तो बस यहाँ पर एक सैंडविच बनके तैयार है। तो इसी तरीके से मैं बाकियों के सैंडविचेस को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सारी सैंडविचेस तैयार हो चुकी है, क्यूट क्यूट सी मिनी मिनी सी जो मिठाई है वो एकदम रेडी है। तो अब मैं इन मिठाइयों को शुगर सिरप में डिप कर लूँगी। तो यहाँ पर जो शुगर सिरप मैंने तैयार किया था वो ठंडी हो चुकी है, तो बस यहाँ पर ब्रेड को इस तरीके से डालना है, ड्रॉप करना है शुगर सिरप के अंदर और बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं छोड़ना है, 2 से 3 सेकंड में ही इसे निकाल लेना है। तो बस बाकी मिठाई को भी इसी तरीके से मैं डिप कर लूँगी और कंप्लीट कर लूँगी ये प्रोसेस।
तो अब इन मिठाइयों को हम कर लेंगे कोट। कोटिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोकोनट पाउडर, यानी कि नारियल के बुरादे, जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बस अब इन मिठाइयों को अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम कोट करेंगे कोकोनट पाउडर में, क्योंकि ये ऑलरेडी शुगर सिरप में डिप हो चुका है। तो इससे क्या होगा ना, जो हमारा कोकोनट पाउडर है वो बहुत जल्दी इसमें चिपक जाएगा और यहाँ पर जो हमारी मिठाई है वो एकदम रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेस्टी लग रहा है। तो मैंने एक कंप्लीट कर लिया है, तो बची हुई जितनी भी ब्रेड मिठाई है उसे भी मैं इसी तरीके से कोकोनट पाउडर में कोट कर लूँगी। तो इन मिठाइयों का जो फ्लेवर आने वाला है बहुत ही ज़्यादा, इसका जो आउटर लेयर है वो क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनके तैयार होता है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितना अट्रैक्टिव और कितना यमी लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उसे कई ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होने वाला है कि ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई है। तो अब मैं इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए ऊपर से गार्निशिंग कर लूँगी। यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिए थे, जो भी मेरे पास अवेलेबल है या फिर जो भी आपकी फेवरेट है आप उससे गार्निशिंग कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर मिठाइयों के ऊपर एक एक सैफ्रॉन के धागे भी डाले हैं, जिससे आपको लगे कि आप एकदम मार्केट वाली मिठाई खा रहे हैं। जब आप एक बार खाएंगे ना तो यकीन मानो आपको बहुत पसंद आने वाला है ये, क्योंकि इसमें नहीं तो कोई बेकिंग का झंझट है और नहीं ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। एकदम इंस्टेंट सी रेसिपी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनती है और नहीं ये बहुत ज़्यादा मीठी है औरों मिठाइयों की तरह, बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा और अंदर में जो इंस्टेंट खोआ फील किया हुआ है और साथ में कोकोनट का फ्लेवर बहुत अमेजिंग टेस्ट देता है और आपको बहुत पसंद आने वाला है ये मिठाई। ये सिर्फ एक डिश में सारी इंडियन फ्लेवर आने वाली है, जितनी भी इंडियन मिठाई की फ्लेवर है ना वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बस अगर आपको ये रेसिपी, ये इंस्टेंट सी मिठाई पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेस्टी मिल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।